डॉलर रुपी स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2023। डॉलर रुपी अभी है आपका 82.96। कल और आज, कल भी हमने देखा है कि इनविजिबल हैंड्स केप्ट ऑन सेलिंग। आज भी मॉर्निंग से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। दैट बीइंग द केस, द इनविजिबल हैंड्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग डॉलर रुपी बिलो 83 फर्स्ट, देन 82, 70, 75, बिलो दैट लेवल्स। तो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। पहले डॉलर इंडेक्स एक नजर झट से देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 803.50, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। सामने जैक्सन होल सिंपोसियम, जहां पे फेड चेयर नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक कितना लंबा चलेगा, नहीं चलेगा, कब कट करेंगे नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक डायरेक्टिव्स, कुछ एक इंडिकेशंस क्लियर कर तो बोलने वाले नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ या वो करने वाला हूँ 6 महीने डाउन द लाइन। बट उनके जो टोन है, टोन कहने का जो तरीका होगा, जो जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, उनके जो वर्ड्स हैं उसमें काफी दम रहते हैं। सो ट्रेडर्स आर वेटिंग फॉर द स्टेटमेंट, द स्पीच। अभी टेक्निकली क्या है कि इस लेवल जो आपका 103.50 से 103.70 है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच केस नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस जहां पे होगा वो है आपका 104.50। उसको भी अगर तोड़ के फोर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो आपका 105.50 से 105.75 इज द मेजर रेजिस्टेंस एरिया। और अगर कंसोलिडेट करने के बाद एंड आफ्टर द जैक्सन होल जैक्सन होल सिंपोसियम, अगर डॉलर वीक हो जाते हैं इन सच केस, जो डॉलर इंडेक्स आ सकते हैं 102 की तरफ, दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज एज फार एज द आपका डॉलर इंडेक्स, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या ये नीचे की तरफ आएगा, वो आपके जैक्सन होल मीटिंग के बाद ही एक डायरेक्शंस हो सकते। उसके बाद हम देखते हैं सीएनएच में, डॉलर सीएनएच, नॉट सीएनएच आईएनएच। सीएनएच में भी पीबीओसी इज कैपेबल एनफ एंड एबल टू होल्ड सीएनएच बिलो द लेटेस्ट स्विंग हाई ऑफ 7.3370। दैट बीइंग द केस, ये इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल हो सकते हैं 1.2575 से 1.2600, कितने टाइम तक पीबीओसी इसको पकड़ के रखते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। विसावी द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, अगर ये आपका 7.20 से 7.22 के तरफ आ जाते हैं इन सच केस रूपी में एक मीन सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी बिलो 80 to 70, 80 to 75, ये एक प्रोबेबिलिटी से अगर ये नीचे की तरफ यहाँ तक आते हैं। अगर ये इस हाई के ऊपर चले जाते हैं इन सच ए केस, डॉलर रुपी में भी प्रेशर आ सकते हैं। दिस आर द टू प्रोबेबिलिटीज एज ऑफ नाउ, हम इसको इंतजार करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि सीएनएच किधर जा रहा है। अभी डॉलर रुपी जो कल और आज का सिंस मॉर्निंग जो एक्टिविटीज है, जहां पे इनविजिबल हैंड्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ब्रिंग डॉलर रुपी बिलो, अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो है आपका 80 to 75 से 80 to 85। क्या उस लेवल के नीचे डॉलर रुपी को क्लोज करवाते हैं एंड आने वाले दिनों में उस लेवल के नीचे डॉलर रुपी को रखते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। कल का जो एनालिसिस था, यहाँ पे हमारा डॉलर रुपए का दो प्रोबेबिलिटीज है। पहला एक ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज, दूसरा ये नीचे की तरफ आने का प्रोबेबिलिटीज। अभी नीचे की तरफ आने के लिए हमें डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट चाहिए, सीएनएच का भी सपोर्ट चाहिए, एज वेल एज द इनविजिबल हैंड्स माइट देयर हथौड़ा 2.5 किलो का अभी गदर टू रिलीज हुआ है। सो
सनीपा जी का 2.5 किलो का है। तो एज फार एज द आवर डॉलर पे प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड, 2.5 किलो का हाथ प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग द रेंज। सो ये 2.5 किलो का हाथ कैसे करते हैं, रुपी अगर अप्रिशिएट करेगा तो मेन हाथ होंगे 2.5 किलो का। तो अगर ऊपर जाते हैं देन ऑल्सो ऊपर के तरफ का दो प्रोबेबिलिटीज है। क्या प्रोबेबिलिटीज है? एक तो ब्रेकआउट करने के बाद एक नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो बना के फर्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 84.50 एंड देन 85.50 से 86। ये इमिडिएटली नहीं होने वाला है, ये मंथली चार्ट का कैलकुलेशन से सो काफी टाइम लगने वाला है अगर ये जाते हैं तो। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ऊपर जाएगा फिर फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कौन सा ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपका 15 अगस्त का जो हाई बनाया हुआ है 83.42, इसके ऊपर जाएगा 2-5 दिन सस्टेन करेगा, उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट करवा के सबको लॉन्ग करवाएंगे, उसके बाद चला मुरारी हरिद्वार। कहने का मतलब फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आ सकते हैं। इन सच ए केस अगर मुरारी हरिद्वार चलने को चालू करेगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट करेगा। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर रुपी में हेड टुवर्ड्स 81.82, 82.00, 81.80 से 82.00 की तरफ। क्यों? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे, कल का विथ रेस्पेक्ट टू ऑसी डॉलर का जो मैंने फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन का जो एक छोटा डिस्कशन किया था, उससे पहले भी इस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है, आप चाहे तो एक बार दोबारा देख लो। ये हो गया आपका पोजीशंस डॉलर रुपी का व्यू। दिस इज द रीजन यहाँ पे काफी इफ एंड बट है, यानी 2.5 किलो का हाथ क्या करेंगे नहीं करेंगे, सीएनएच क्या करेंगे, डॉलर इंडेक्स क्या करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। दैट इज व्हाई मेरा जो व्यू है न्यूट्रल व्यू है। ये हो गया आपका स्पॉट प्राइसेस। अभी आते हैं आपका करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर अभी अगस्त का जो एक्सपायरी है वो है आपका 82.97 पे। तो आप देखोगे हमारा जो इमीडिएट एक सपोर्ट बन सकते हैं वो है आपका ये लेवल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, फ्यूचर के लेवल से जो है आपका 82.85 से 82.90। क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाते हैं या इसके नीचे सस्टेन करवाते हैं? ये अगर करते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये कैंडल का लो, 11 अगस्त का लो, उसके लो के लो जो है दैट इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर, यानी 82.70। तो बेसिकली एक लेवल तो होते नहीं है, सो लेट इट बी 82.65 से 82.75 इज गोइंग टू बी अ डिसाइसिव रेंज। 65 से 82.75 ये जो रेंज है इट इज गोइंग टू बी डिसाइसिव रेंज, मेक और ब्रेक, रुपी एप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा। सो इन अ नटशेल डॉलर रुपी स्पॉट बोलिए या फ्यूचर बोलिए, आई एम न्यूट्रल वेटिंग फॉर द प्राइस एक्शंस। दैट बीइंग द केस अभी हमें प्राइस को देखना है, क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन का जरूरत है। सो मेजर जो क्रूशियल जो लेवल है वो है आपका इस रेंज 82.65 से 82.75 का एज फार एज द करेंसी फ्यूचर अगस्त एक्सपायरी इज कंसर्न। अभी आते हैं आपका ऑप्शन पे। पी आपका जो ऑप्शन राइटिंग का जो पोजीशन है उसका स्टेटस, हमने क्या राइट किया था, 83.50 कॉल को राइट किया था एंड 82.75 का पुट को राइट किया था। अभी रुपी नीचे की तरफ आया सो 83.50 डीप इन द मनी, यानी जितना भी प्रीमियम था पूरा का पूरा खा गया। बट ये 82.75 का थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हल्का सा प्रेशर, नॉट ट्रेमेंडस प्रेशर। सो दैट बीइंग द केस हमने जो 82.75
83.50 का जो कॉल राइट किया था एट 2 पैसा, वो अभी है 0.0025 से 0.005 से। मैंने क्या किया, 0.0025 पे बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, जब होगा होगा, जब नहीं होगा नहीं होगा। मीन्स लेट द मार्केट टू डिसाइड ये कब क्या होगा। ये हो गया जो फेवरेबल वाला पोजीशन। आप बोलोगे व्हाई नॉट आई अलाउ इट टू मेक इट जीरो, क्योंकि ये जीरो तक अलाउ करने के लिए मेरा जो फंड है वो फ्राइडे तक ब्लॉक हो जाएगा। ये जैसे ही क्लिक हो जाएगा मेरा फंड रिलीज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे 50 क्वांटिटी था, उसमें भी 50 क्वांटिटी था 82.75। कल मैंने क्या किया, जब प्राइस ऊपर गया तो मैंने दोबारा 175 में मैंने मैंने दोबारा और 50 क्वांटिटी 175 में सेल किया, यानी मेरा टोटल क्वांटिटी हो गया 100 क्वांटिटी का एट 0.175। अभी प्राइस क्या है, 1 2 क्वार्टर 250, यानी एज ऑफ नाउ ये 3 क्वार्टर पैसे का लॉस में है। 3 क्वार्टर पैसे का लॉस में है, तो ये बाय फ्राइडे अगर 82.75 स्पॉट प्राइस उसके नीचे आता है तभी जाके मेरा मींस लॉस होना चालू करेगा। तो आज वेंसडे है, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे, यानी आज कल परसों 11:30 तक मेरे को प्राइस को देखना है। मैंने क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट एनफ नहीं हूँ मार्केट कौन सा डायरेक्शन में भागेगा, इसीलिए मैंने बड़ा क्वांटिटी लिया नहीं है, छोटा क्वांटिटी मैंने लिया है। सो दिस इज द स्टेटस। यहाँ पे आप देखोगे मेरा और एक पॉसिबिलिटी था कि एट्टी थ्री क्वार्टर का कॉल शॉर्ट एंड 83 का पुट शॉर्ट, जो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं वो दैट लेवल को ट्रेड कर सकते थे। 83 क्वार्टर का कॉल शॉट और 83 का पुट शॉट। तो अगर आप 83 क्वार्टर का पुट शॉट करते तो आज के दिन में वो डीप इन द मनी हो जाता, जितना भी 4 पैसा 5 पैसा होता वो डीप इन द मनी हो जाता। लेकिन जो पुट था 83 का वो स्ट्रेस देता, क्योंकि स्पॉट इज लोअर अराउंड 82.92, 82.93 के आसपास। ये पुट वाला मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करता, लॉसेस प्रोबेबिलिटीज ज्यादा, एक तरफ प्रॉफिट दूसरी तरफ प्रॉफिट जो था वो लिमिटेड होता, जितना भी प्रीमियम था उससे ज्यादा तो हमें मिलने वाला नहीं था। लेकिन ये जो पुट वाला राइटिंग था वो सब्जेक्ट टू डॉलर रुपी मूवमेंट, कितना नीचे की तरफ आता है उतना ही लॉसेस हो सकता था। दिस इज द रीजन मैंने 83 क्वार्टर एंड 83 का जो आपका स्ट्रेंगल है वो मैंने राइट नहीं किया था, रेदर थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होके मैंने 83.50 का कॉल को शॉर्ट किया था एंड 82.75 का पुट को शॉर्ट किया था, जो दोनों ही कम प्रीमियम देगा लेकिन सेफ। हालांकि 83.50 पूरा का पूरा सेफ है, 82.75 थोड़ा सा कॉज ऑफ कॉन्सर्न है क्योंकि ये प्राइस नजदीक आना चालू किया है। सो एज ऑफ नाउ दोनों का जो पोजीशन है वो दोनों का पोजीशंस में एक में मेरे को इतना का छोटू सा प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी छोटू ही है, यहाँ पे लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 8.75 ऑलरेडी ये छोटा 50 क्वांटिटीज में है और यहाँ पे जो है मेरा 7.50 का लॉस है, स्ट्रेंगल है तो ना ही ज्यादा पैसा लेगा ना ही ज्यादा पैसा देगा, दोनों ही है। स्ट्रेंगल का यही स्पेशलिटी है कि एक रेंज के अंदर में रहेगा तो मीन्स एक लिमिटेड पैसा मिल सकता है। सो ये जो करेंट स्टेटस है एज फार एज द मेरा जो स्ट्रेंगल पोजीशन हमने इनिशिएट किया था उसका। सो अभी के लिए करेंसी डॉलर रुपी स्पेशल एनालिसिस इतना ही, आज के डेट में भी ये स्टैंड है वेट एंड वॉच,
वेट एंड वॉच करना है डॉलरों में, इंतजार करना है पार्टिकुलर लेवल। ठीक है, और ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचते हैं, इतने ही रखते हैं। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।